हाय गाइस, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को आप मैं आपको समझाऊंगा, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी इस वीडियो में पता लग जाएगी। और अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम तो भी उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन उसमें बनेंगे, एमसीक्यू सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। यू जस्ट हैव टू मेक सम नोट्स, आपको इसमें से कुछ नोट्स बनाने हैं और नोट्स को बना के रखना है, पेपर से पहले पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और डेली लाइफ में जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में वो भी देखें, इस वीडियो को एक बार देखेंगे आपको भी पता लग जाएगा पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से चलती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, सारे इसमें पता चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो स्लाइड स्टार्ट करी है वो लिखी, जाने कैसे खाना शरीर में जाता है, पूरी प्रक्रिया हिंदी में और पूरे डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन लर्न श्योर का। देखिए, क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे सारे इसमें कंप्लीट होंगे। जाने खाने की प्रक्रिया, खाने की शुरुआत, ये तो कैसे भोजन शरीर में जाता है, भोजन की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले आप पिक्चर देखें, पिक्चर से आपको पता लग जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है और कैसे ये पूरी जो रिएक्शन चलती है कैसे चलती है। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के सामने आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा दूं कि कौन से पार्ट क्या होता है, कैसे चलती है प्रोसेस। तो देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने इंटरनली सारी चीज़ें दिखा दी, यहाँ पर बॉडी के साथ दिखाया। देखिए, जो ये इनके हाथ में एप्पल है, जब ये स्टार्ट होगा, खाने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, खाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है जैसे ही आप खाने का बाइट करते हैं, मुंह के अंदर जाते ही स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता होगा पेट में जाकर होता है, तो नहीं, जैसे ही आपने मुंह के अंदर लिया खाना और बाइट करना स्टार्ट किया, वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। अब मुंह के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है? सिर्फ खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में करने से ही नहीं, हमारे मुंह के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को टुकड़ों में करने में सहायता करते हैं, उनको उन एंजाइम्स को बोला जाता है सलाइवरी। देखिए, सलाइवरी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जब ये खाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये जो खाने का पाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर खाने की पाइप है तो साथ में जो ब्रीदिंग पाइप है वो क्या काम करती है, ब्रीदिंग पाइप में खाना चला जाए तो क्या होगा, क्या ब्रीदिंग पाइप में खाना जाता है खाना खाते टाइम, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे। फिर जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी स्टमक, ये रहा स्टमक के अंदर जब ये खाना आता है तब क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद जब ये पेनक्रियाज से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये रेक्टम के थ्रू जब इनसे पचा हुआ खाना बाहर निकलता है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या रहती है आपको सब कुछ पता लगेगा। देखिए, यहाँ से मैं रेड पेन से आपको पता लग जाएगा, यहाँ से जब डाइजेस्टिव सिस्टम गया, मुंह के अंदर आपने बाइट लिया, फिर यहाँ से ये खाने की पाइप के थ्रू गया, साथ में ध्यान रखना है कि हमारी ब्रीदिंग पाइप भी होती है, लेकिन वो उसके अंदर क्यों नहीं जाता वो भी पता लगेगा आपको वीडियो के अंदर। फिर ये खाना जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर डोनोडम की मदद से होता हुआ ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने के बाद ये कुछ टाइम तक हमारा रहता है। देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद ये हमारा जो भोजन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर जब ये रात को जब हम सुबह उठते हैं 8-10 घंटे के बाद, उसके बाद ये पचा हुआ खाना हमारा भोजन की मतलब मल द्वार से बाहर निकल जाता है और हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस खत्म होती है। तो गाइज, ये थी पूरी एक ओवरव्यू जो मैंने आपको सामने से बताई है। अब मैं आपको पूरा चैप्टर इसको समझाऊंगा, आप नोट्स बनाकर रखें, पेपर में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस पूरी वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम समझने के लिए आपको सबसे पहले इन चार वर्ड्स का पता होना चाहिए। आप इन चारों वर्ड को लिखेंगे और नोट में बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है मैंने इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है खाने को खाना। When you start eating, जब आप खाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो पहली स्टार्टिंग स्टेज होती है उसको बोलते हैं इंजेशन, याद रखेंगे। देखिए, और डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन का मतलब होता है जब बड़ा खाना छोटे खानों में टूटता है। देखिए, दो रिएक्शन होते हैं, एनाबोलिक और कैटाबोलिक, ये मैं आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा जब मैं साइंस में आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए, आप बस ये ध्यान रख लीजिए, जब बड़ा खाना छोटे खानों में टूटता है उसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उसको बोला जाता है वो बोला जाता है डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो फिर खाना अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेशन की बात की जाए, एसिमिलेशन का मतलब जो अब्जॉर्ब हुआ खाना है उन सेल्स में चला जाता है जहां पर उनकी आवश्यकता होती है, जहां उनकी जरूरत होती है, ठीक है। अगला वर्ड है इजेशन। इजेशन की बात की तो लास्ट प्रोसेस है, इनसे पचा हुआ खाना बाहर चला जाता है,
जो हम लास्ट प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं इजेशन। तो पांच ये वर्ड थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। चारों और ये पांचों वर्ड आपको पता होने चाहिए। ये मैंने कराए ताकि आप जब मैं आपको जब पूरा कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूँ तो पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए पिक्चर है, देखिए सबसे पहले खाने का जो डाइजेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जैसे खाने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, जैसे हम खाने को खाना स्टार्ट करते हैं मुंह के अंदर लेने के बाद जब हम बाइट करना स्टार्ट करते हैं वहीं से खाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है मुंह के अंदर से? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दूंगा और कर भी रखी है और नहीं की तो मैं कर दूंगा आपके सामने। देखिए सलाइवा हमारे एक एंजाइम है जो क्या करता है, खाने हम जब मुंह के अंदर खाना जाता है तभी वो उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सलाइवा बनाता कौन है, अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए सलाइवा बनाते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी थूक की ग्रंथि। थूक की ग्रंथि बनाती है सलाइवा। सलाइवा हमारे मुंह के अंदर होता है जो खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में करने में मदद करता है। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया, मुंह के अंदर खाना गया, एप्पल की बाइट ली, आपने खाना स्टार्ट किया, तो मुंह के अंदर जो एंजाइम्स है वो रखे हुए हैं और वो उसको तोड़ने में काम कर रहे हैं। देखिए आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि हमें सुबह उठते ही पानी पी लेना चाहिए, उठते ही खाली पेट पानी चाहिए पीना चाहिए। उसका पीछे रीजन ये है कि क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो ये सलाइवा है ना वो इकट्ठा होता है बहुत सारा, और जब हम पानी पीते हैं उस पानी के थ्रू ही वो सारा सलाइवा पेट के अंदर चला जाता है, और पेट के अंदर जाने से वो और अच्छी रिएक्शन करते हैं। तो एक ये भी रीजन है, देखिए हर चीज के पीछे एक रीजन है। अगर आयुर्वेदा आप पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेदा का भी एक रीजन है, आयुर्वेदा भी साइंस से जुड़ी हुई है और साइंस भी आयुर्वेदा, दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता दोनों सेम है, लेकिन लॉजिक दोनों के होते हैं और सही होते हैं। ठीक है, तो सलाइवा इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सलाइवा स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए ये खाना यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और ये अंदर गया बिल्कुल मुंह के अंदर से जब ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पाइप होता है जहाँ से खाना पेट के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ईसोफेगस या फिर एसोफेगस बोलते हैं। देखिए एसोफेगस क्या होता है, हमारे मुंह को पेट से जोड़ता है, उस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, टिप्स पे कभी मत भूलिएगा, लिख लिया हाईलाइट कर लिया, स्टार रेटेड कुछ भी बना लीजिए जो आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है ब्रीदिंग पाइप, फूड पाइप से, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। लेकिन जो हमारा हम सांस लेते हैं वो भी तो जुड़ा हुआ था उससे, लेकिन उसमें खाने में उसमें क्यों नहीं जाता? देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा भोजन है वो ब्रीदिंग पाइप में ना चला जाए, तो उसके लिए क्या चीज़ हमारे को प्रिवेंट करती है, क्या चीज़ बचाती है? तो वो बचाती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करती है? एपिग्लोटिस हमारे शरीर के अंदर जो ब्रीदिंग पाइप है उसके अंदर उसको जाने नहीं देती। देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो ये बचा रहा है ना, ये एपिग्लोटिस है यहाँ पे जो रेड रेड है, ये खाना जब जाएगा तो ये इसमें ना जाकर ये सीधा सिर्फ जाएगा हमारी फूड पाइप के अंदर होते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये रहा स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव नहीं पेट के अंदर। तो ये एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है कि खाना जो है वो फूड पाइप में ना चला जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा ईसोफेगस क्या होता है? वो होता है हमारे फूड पाइप। अब डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग पाइप है उसको क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग पाइप होता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जो मैंने हाईलाइट करे हैं, सर्कल करे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे नोट बनाकर रखें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जब खाना स्टमक के अंदर चला जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? देखिए जब खाना पेट के अंदर चला गया, खाना पेट के अंदर गया, उसके बाद उसको तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए। देखिए एंजाइम चाहिए हमारे शरीर के अंदर, जब हमारे पेट के अंदर खाना चला जाता है हमें उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन। ये ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेट के अंदर खाने की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो वो चाहिए पेप्सिन पेट के अंदर। और अगर मुंह के अंदर बात की जाए तो वो हमारे अंदर रहा स्लाइव एंजाइम जो शुरू करता है, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है पेप्सिन। हमारे भोजन की पेट के अंदर प्रक्रिया कौन स्टार्ट करता है? वो करता है पेप्सिन। आगे देखिए पेप्सिन स्टार्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेप्सिन को स्टार्ट करने के लिए एक चीज चाहिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जो आज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम चाय पीते हैं या कोई भी ऐसी एसिडिक चीज पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पहले ही, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे जो तीन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक, ये तीन चार एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट जो एसिड होता है वो गोल्ड स्मिथ सोने के आभूषण बनाने के लिए यूज करता है या साफ करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, और अगर हम बॉडी के अंदर जब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो एसिडिटी बन जाती है।
लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि पेप्सिन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए पेप्सिन एंजाइम को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है एंजाइम पेप्सिन को स्टार्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं माउथ से खाते टाइम या और भी जैसे भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया को मारने में भी काम करता है, तो इसलिए इसका ये भी फायदा है। फिर उसके बाद जो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टिव का काम होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव का सबसे लंबा काम किसके अंदर होता है, सबसे ज्यादा काम किसके अंदर, तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर सबसे ज्यादा काम डाइजेशन का डुडोनम के अंदर होता है। देखिए इसके अंदर भी कई सारे पार्ट है। देखिए सबसे ज्यादा जो काम डाइजेशन का होता है सबसे ज्यादा होता है डुडोनम के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ, डुडोनम के अंदर। याद रखिएगा डुडोनम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके पार्ट के अंदर से। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना रहता है 4 से 8 घंटे। फिर बात की जाए लार्ज इंटेस्टाइन की, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, जो खाना होता है जो हमारी बॉडी को चीजें चाहिए होती है वो मिल जाती है। उसके बाद जो वेस्ट खाना होता है जो बचा होता है जो सुबह मतलब बेकार खाना जो जिसका कोई काम नहीं होता वो 10 घंटे इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और फिर वो सुबह मल द्वार से बाहर चला जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी सी पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए पेनक्रियास हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज का रीजन क्या है, डायबिटीज होने के कारण और ये सब इसमें भी इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए पेनक्रियास हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है पेनक्रियास जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन को कंट्रोल करता है और इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए पेनक्रियास हमारे अंदर इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी जो इंसुलिन होती है वो या तो उनमें बॉडी में अच्छे से बनता नहीं है या फिर बनता है तो वो बहुत अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए उनके जब वो शुगर उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो शुगर का कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता, इसी वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा वो डिटेल में आने वाली वीडियो में पूरा पूरा एक चैप्टर ही इस पे बता दूंगा पैनक्रियाज में, बट थोड़ा सा ही समझ लीजिए कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज पेशेंट के अंदर इंसुलिन अच्छे से नहीं बनता और बनता है तो बहुत कम बनता है जिससे ये अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए उनको डायबिटीज हो जाती है। और इंसुलिन बनाते कौन है, इंसुलिन बनाते हैं बीटा सेल, पेनक्रियाज में बीटा सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पीपीटी की स्लाइड में बोलूंगा तो यही है, क्योंकि 2016 के अंदर जो क्वेश्चन था और 2017 के अंदर क्वेश्चन था, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एटलीस्ट मतलब फाइनल में जाके किसमें टूटते हैं, टूटना मतलब हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन एंड में जाके क्या बनेगा, तो वो बनता है अमीनो एसिड। स्टार्च टूटते हैं ग्लूकोज के अंदर, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ स्टार रेटेड क्वेश्चन, आप बिल्कुल इनको ध्यान लिख ले। और फैट टूटते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, फैट टूटते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन टूटते हैं अमीनो एसिड के अंदर और स्टार्च टूटते हैं ग्लूकोज के अंदर। तीनों बिल्कुल इनको नोट करके याद कर लीजिए। अब एक बार और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हमने आज डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ के अंदर से। क्यों माउथ के अंदर होते हैं, सलाइवा, सलाइवा हमारे फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद जब ये खाना जाता है तो पेट के अंदर किसके थ्रू जाता है, ये जाता है हमारा ईसोफेगस, ये होती है फूड पाइप। और इसके साथ में जो ब्रीदिंग पाइप होती है उसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया, लिख लीजिए TRCHEA। तो ट्रैकिया होता है जो हमारी ब्रीदिंग पाइप होती है और ट्रैकिया के अंदर भोजन ना जाए उसको कौन प्रिवेंट करता है, उसको प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस, या एपिग्लोटिस आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये खाना पेट के अंदर जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर भोजन की जो प्रोसेस होती है वो कौन से कौन स्टार्ट करता है, वो करता है हमारा पेप्सिन। और पेप्सिन को स्टार्ट कौन करता है, पेप्सिन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए HCl, HCl के बाद ये खाना जाता है स्मॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। तो गाइज ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कंप्लीट वीडियो। मैंने कोशिश करी आपको हर इंपॉर्टेंट चीज बताने की, चाहे आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जनरली जानना चाहते हो, या फिर वैसे भी अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और
कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट मैंने सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको पूरा साइंस, इंग्लिश और जीके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ। थैंक यू गाइज।